अब आइएगा बेटे उत्तम पुरुष की परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या वक्ता के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या वक्ता के लिए किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। वक्ता बच्चे लेट है या आएंगे नहीं, वो दोनों लड़कियां हैं, वो दोनों सिस्टर भी नहीं है, विशाल भी नहीं है, कई बच्चे नहीं दिखाई दे रहे आज, पोल्यूशन के वैसे नहीं आए होंगे वो, ऐसा हो सकता है। निशा भी छुट्टी मारने वाली थी, फिर ध्यान आया कि सर की क्लास तो आप तो सर ही पढ़ती हूँ। मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या सुनने वाले के लिए किया जाता है अभी एक बार देखते हैं सरिता, एक्सप्लेन करूंगा मैं, पहले एग्जाम्पल लिखवा दूं सारे परिभाषा के साथ, उसके बाद बेटे एक एक चीज क्लियर होगी। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें बेटा मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे तुम, तुम्हारा, आपका, तुम, तुम्हारा, आपका, आगे बढ़िए। अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे या अन्य के लिए किया जाता है जैसे वह, उसका, वे, किसी तीसरे या अन्य के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह, उसका, वे, आगे बढ़े। निश्चय बेटा जो सर्वनाम शब्द, निश्चय जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु के बारे में ठीक ठीक बता देते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह विद्यालय है, वह गाड़ी है,
अनिश्चय भी डी ट्रिपल सी की दृष्टि से इंपोर्टेंट है बेटा। जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु के बारे में ठीक ठीक नहीं बता पाते, गुड मॉर्निंग, जैसे दरवाजे पर कोई है बसंती को कुछ हुआ है संबंध बेटा। जो सर्वनाम शब्द एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु के साथ बता देते हैं, जो सर्वनाम शब्द एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु के साथ बता देते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दूसरी वस्तु के साथ बता देते हैं, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, प्रश्नवाचक बेटे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है दरवाजे पर कौन है, यह किसकी पुस्तक है, निजवाचक बेटे निज की इंग्लिश होती है सेल्फ, जो आपके जो आपका निजी फैसला है ना,
पापा डोंट इंटरफेयर इन माय पर्सनल लाइफ, तो आपका पर्सनल है ना। ऐसे कुछ कम दिमाग वाले बच्चे बोलते हैं अपने माता पिता, और फिर उससे 36 टुकड़े हो जाते हैं, होगा ना याद। अभी कुछ महीने पहले 36 टुकड़े हुए थे श्रद्धा, समझ गए ना। तो माँ बाप से बढ़ के इस धरती पे कुछ भी नहीं है, ये मेरा मानना है, आपका मानना क्या है वो आप जान, ठीक है। तो इंटरफेयर तो उसी दिन कर दिया जिस दिन तुम्हें पैदा किया था, अगर उसी दिन नहीं पालते पोसते तो हो जाता इंटरफेयर। तो ऐसे शब्द, ऐसी कड़वी वाणी फादर या मदर के सामने हो तो बोला करो। तो बेटा निज वाचक सेल्फ, खुद का पर्सनल, ये इसके मीनिंग है। तो प्यारे बच्चों, अभी समझाऊंगा बेटे, थोड़ा वेट कर ले सरिता, थोड़ा वेट कर ले बेटे। तो देखिए बढ़ते हैं आगे, परिभाषा लिखिएगा। जब वक्ता कर्ता बनकर, जब वक्ता कर्ता बनकर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, जब वक्ता कर्ता बनकर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। शब्द बेटा स्वयं लिखो, स्वयं खुद अपने आप, आपा, ये शब्द बेटा निजवाचक के। अब आप अपने कोमल हाथों को विराम दे लीजिए, आराम से समझने की कोशिश कीजिए। काफी देर हो गई लिखते लिखते, थक गए होगे, ज्यादा लिखवा दिया, क्योंकि अक्सर मैं इतना लिखवाता नहीं हूं। तो देखो बेटे एक बार शुरुआत करते हैं, शुरू से ऐसे बना सर्व जमा नाम। नाम मतलब संज्ञा बेटे, पिछली क्लास में कराया था। तो बेटे जो सभी नामों की जगह आ जाए, सर्व का मतलब सभी, तो वे शब्द जो सभी नामों की जगह आ जाए सर्व नाम कहलाते हैं, राइट, क्लियर है। हाँ ना ना आ तो रुशे रूठे रूठे हो, जरूर कोई बात है ना, इतने क्यों रूठे हुए हो, कोई अपराध कर दिया क्या मैंने, तो मेरे से क्यों रूठ रहे हो भाई दीक्षा। एक भी नहीं बोलता कि हाँ सर यस सर, कोई मतलब नहीं। तीन बार मैं पूछता हूं ऐसे जोश ढीला हो जाएगा भाई, फिर तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैं एक अलग तरह की टीचिंग करता हूँ, अलग तरह का टीचर हूं, कि भाई खुश मिजाज, कभी ये नहीं सर मुंह बना रहे हैं सर मतलब ऐसे टेंशन में। अरे क्लास में आ गए तो क्लास के हैं, कितनी बड़ी टेंशन, वो टेंशन गई तेल लेड़े, क्लास तक तो नहीं, उसके बाद देखें बाहर निकलने के बाद, सोल तो होनी नहीं होगी, अपने समय पे होगी अपने तरीके से, तो टेंशन क्यों लेते हो फिर। देखिएगा बेटे, तो बेटे जो सभी संज्ञा के स्थान पर आ जाए वो क्या है, मैंने बताया था बेटे जैसे आपने किया वह उसका, राम सुनील की जगह शब्द आ सकते हैं, वह उसका उसके उसने तुम तुम्हारा। तो अब बात आती है, इतना इजी वो पूछता रही, अब आपसे कोई पूछ लेता है कि भी जो सर्वनाम है वो विकारी शब्द है या अविकारी है, अविकारी है। किसी को नहीं पता, विकारी है। हाँ तो देखिए बेटा, जिन शब्दों के लिंग और वचन नहीं बदलते वो तो अविकारी है, और जिनके लिंग और वचन बदल जाते हैं वो विकारी है। तो बेटा आपने लिखा उसका सर्वनाम है लाडली, इसका आप लिंग चेंज करो क्या हो जाएगा,
तो बेटा लिंग चेंज हो गया तो पिटिया ये विकारी है अविकारी नहीं है। अविकारी वो होते जिनके लिंग या वचन चेंज नहीं होते, वचन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा उसके, राइट। तो बेटे सबसे पहले सर्वनाम शब्द विकारी है,